आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को आईएएस अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचे दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या आईएएस परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिजाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है। उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है जो रामचंद्र के बॉस है और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को आईएएस अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचे दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या आईएएस परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिजाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है।
इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है, जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है, लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है, जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है, जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है, उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है, जो रामचंद्र के बॉस है, और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचा दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है, जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिजाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है, क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है, जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है, जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है, लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है, जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है, जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है, उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है, जो रामचंद्र के बॉस है, और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचा दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक
स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है, उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है जो रामचंद्र के बॉस है और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचा दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है, उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है जो रामचंद्र के बॉस है
और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचे दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है, उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है जो रामचंद्र के बॉस है और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचे दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह
सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है, जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है, लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है, जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्य अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है, जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है, उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है, जो रामचंद्र के बॉस है, और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचा दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है, जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिजाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है, क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है, जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है, जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है, लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है, जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है, जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है, उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है, जो रामचंद्र के बॉस है, और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचा दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है।
कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिजाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है। उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है जो रामचंद्र के बॉस है और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचे दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिजाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है।
उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है, जो रामचंद्र के बॉस है, और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचे दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है। उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है जो रामचंद्र के बॉस है और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचे दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी।
तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है, जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है, जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है, लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है, जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है, जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है, उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है, जो रामचंद्र के बॉस है, और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचा दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है, जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है, क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है, जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है, जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है, लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है, जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है, जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है, उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है, जो रामचंद्र के बॉस है, और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचा दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग
दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है। उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है जो रामचंद्र के बॉस है और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचा दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो
हो जाती है। उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है, जो रामचंद्र के बॉस है, और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचा दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है। उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है जो रामचंद्र के बॉस है और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचा दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी।
तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है, जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है, जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है, लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है, जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है, जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है, उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है, जो रामचंद्र के बॉस है, और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचा दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है, जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिजाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है, क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है, जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है, जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है, लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है, जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है, जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है, उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है, जो रामचंद्र के बॉस है, और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचा दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग
दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है। उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है जो रामचंद्र के बॉस है और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचा दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो
हो जाती है। उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है, जो रामचंद्र के बॉस है। और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है। लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचे दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है। उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है जो रामचंद्र के बॉस है और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है। लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचे दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी।
तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है, जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है, जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है, लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है, जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है, जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है, उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है, जो रामचंद्र के बॉस है, और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कुटी खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचा दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है, जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिजाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है, क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है, जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है, जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है, लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है, जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है, जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है, उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है, जो रामचंद्र के बॉस है, और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कुटी खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचा दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग
दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिजाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है। उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है जो रामचंद्र के बॉस है और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचे दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिजाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई
हो जाती है। उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है, जो रामचंद्र के बॉस है, और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचे दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है, जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है। उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है, जो रामचंद्र के बॉस है, और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचे दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी।
तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है, जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है, जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है, लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है, जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्य अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है, जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है, उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्य की सगाई के समय वह लौट आता है, जो रामचंद्र के बॉस है, और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कुटी खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को आईएएस अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचा दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या आईएएस परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है, जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिजाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है, क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है, जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है, जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है, लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है, जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्य अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है, जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है, उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्य की सगाई के समय वह लौट आता है, जो रामचंद्र के बॉस है, और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कुटी खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को आईएएस अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचा दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग
दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है। उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है जो रामचंद्र के बॉस है और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचे दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई
हो जाती है। उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है, जो रामचंद्र के बॉस है, और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचे दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिजाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है, जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है। उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है, जो रामचंद्र के बॉस है, और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचे दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिजाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी।
तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है, जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है, जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है, लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है, जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्य अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है, जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है, उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्य की सगाई के समय वह लौट आता है, जो रामचंद्र के बॉस है, और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचा दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है, जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिजाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है, क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है, जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है, जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है, लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है, जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है, जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है, उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्य की सगाई के समय वह लौट आता है, जो रामचंद्र के बॉस है, और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचा दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग
दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है। उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है जो रामचंद्र के बॉस है और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को S. थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचे दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई
हो जाती है। उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है, जो रामचंद्र के बॉस है। और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचा दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है। उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है जो रामचंद्र के बॉस है और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचा दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी।
तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है, जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है, जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है, लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है, जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्य अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है, जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है, उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्य की सगाई के समय वह लौट आता है, जो रामचंद्र के बॉस है, और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्य रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्य को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचा दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्य IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है, जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है, क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है, जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है, जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है, लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है, जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्य अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है, जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है, उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्य की सगाई के समय वह लौट आता है, जो रामचंद्र के बॉस है, और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्य रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्य को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचा दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग
दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है। उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है जो रामचंद्र के बॉस है और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को S. थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचा दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई
हो जाती है। उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है, जो रामचंद्र के बॉस है। और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचा दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी। तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है, जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्या अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है। उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्या की सगाई के समय वह लौट आता है, जो रामचंद्र के बॉस है। और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या रामचंद्र राव की संतानी हैं। कार्तिक को IAS अफसर बनना है और रामचंद्र राव की एकमात्र समस्या है कि वह काव्या को भी कलेक्टर बनना ना चाहता है, लेकिन रामचंद्र राव दोनों की पढ़ाई का खर्चा अपने ऊपर नहीं ले सकता। इस वजह से वह हमेशा ही कार्तिक को नीचा दिखाता है और अपनी परीक्षा त्याग दी ताकि उसकी बहन कलेक्टर बन सके। दिल्ली पब्लिक स्कूल में वह शामिल हो जाती है। कुछ वर्षों बाद कार्तिक उर्फ ब्रूस ली डेंजरस डेविड के तहत काम करने वाला एक स्टंट कलाकार है और काव्या IAS परीक्षा के लिए अध्ययन भी करती है। एक बार कार्तिक एक शूटिंग के बीच में अपने दोस्त की बहन को बचाने के लिए होटल में जाता है जिसका अपहरण हो चुका था। रिया एक गेम डिज़ाइनर है जो शादी के लिए एक पुलिस वाले से मिलने आई। कार्तिक को उसकी पुलिस की पोशाक में देखती है और गलती से उसे एक पुलिस वाला ही समझ लेती है। वह आगे चलकर उसकी प्रशंसक बन जाती है और दूसरे पुलिस वालों को खारिज कर देती है क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी थे। कहानी कुछ दिनों के बाद कार्तिक को पता चलता है कि रिया ने फेसबुक पर पुलिस की पोशाक में लड़ते हुए उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। जब वह उसे मिलने जाता है तो वह उसके प्यार में तुरंत गिर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके आधार पर ही एक सुपर कॉम नामक वीडियो गेम डिज़ाइनर कर रही थी।
तब से रिया लगातार उसके साथ समय बिताती है, जबकि कार्तिक अभी भी अपनी पहचान उजागर करने से डर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वह सच्चाई बताएगा तो वह उसे छोड़ सकती है। इस बीच एक होटल में एक आतंकवादी हमला होता है, जहां कार्तिक के चचेरे भाई रवि को यह साबित करने के लिए सबूत मिलते हैं कि यह आतंकवादी हमला नहीं बल्कि दीपक राज नामक के एक व्यापारी ने ही अधिकारियों को मारने के लिए यह प्रयास किया है। रवि कमिश्नर मार्तंड के पास जाता है, लेकिन मार्तंड वास्तव में दीपक के साथ मिल जाता है, जो रवि को बेहोश कर देता है। रिया यह सोचकर कार्तिक से लड़ाई करती है कि वह एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है। काव्य अपनी अंतिम परीक्षा की जरूरत लिखती है, जहां वह लौट रही होती है तो उसे दीपक ज़बरदस्ती ड्रग्स देता है और राम गोपाल को यह सोचने के लिए गिरफ्तार करता है कि लड़की उसकी बेटी थी। कार्तिक को इस घटना का पता चलता है और दीपक की पिटाई हो जाती है, उसे कोमा में भेज दिया जाता है। जयराज और वसुंधरा के बेटे राहुल के साथ काव्य की सगाई के समय वह लौट आता है, जो रामचंद्र के बॉस है, और इस फिल्म की कहानी इस तरह से ख़त्म होती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म का बजट 65 करोड़ था। इसे 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया। इसके संगीत को एस थमन के द्वारा तैयार किया गया था। अभिनय इसमें रामचरण, रकुलप्रीत सिंह, संपत राज और कृति खरबंदा ने मिलकर किया था। आज मैं आपको ब्रूस ली द फाइटर मूवी की कहानी और इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कार्तिक और काव्या राम